अब इनकम टैक्स का भुगतान स्वयं मंत्रियों को करना होगा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वैध आय पर तो इनकम टैक्स भर जाएगा, लेकिन जो अवैध और भ्रष्टाचार की कमाई करने वाले मंत्री हैं, उनसे सरकार कैसे टैक्स वसूलेगी। मोहन सरकार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि इनकम टैक्स का भुगतान स्वयं मंत्रियों को करना होगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने कहा कि यह तो बहुत पहले ही हो जाना था, मंत्रियों का खर्चा सरकार क्यों उठा रही थी। सरकार को अब ये सोचना चाहिए कि वैध इनकम पर तो इनकम टैक्स भर जाएगा, लेकिन जो अवैध और भ्रष्टाचार की कमाई करने वाले मंत्री हैं, उनका टैक्स सरकार किस प्रकार वसूल करेगी। देखिए, मंत्रियों से इनकम टैक्स लिया जाना ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मंत्रियों का खर्चा सरकार क्यों उठा रही थी, और अगर उठा रही है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि वैध इनकम पर तो टैक्स लगा देंगे, लेकिन जो अवैध जरिए से जो भ्रष्टाचार की कमाई मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायक कर रहे हैं, उनका टैक्स आखिर कैसे वसूला जाएगा, उसकी गणना कैसे की जाएगी, इस पर गंभीरता से विचार मोहन यादव जी को करना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।